वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश और आज हम करने वाले हैं विस्तार्स बुक का चैप्टर इवांस ट्रायल्स इन ओ लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर। अब ये स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड एक क्रिमिनल जिसका नाम है इवांस, जो बहुत बार जेल से भागने में कामयाब हो चुका है एंड ये चैप्टर में हम पढ़ते हैं ये इसका फाइनल अटेम्प्ट है जेल से भागने का। सो ही डिसाइड्स कि वो जर्मन के ओ लेवल का टेस्ट देगा एंड दैट इज वाई ऑक्सफोर्ड प्रिजन से गवर्नर कॉल करते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को कि हम एक एग्जाम कंडक्ट करना चाहते हैं जहाँ पे इवांस जर्मन के ओ लेवल का टेस्ट देना चाहता है। तो सेक्रेटरी एग्री कर देता है और कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आता कि इवांस ये टेस्ट ना दे, बस आप मुझे इतना बता दो कि इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ज्यादा वायलेंट तो नहीं है। तो गवर्नर कहते हैं कि क्योंकि इवांस 3 बार जेल से भाग चुका है इसीलिए उसे इवांस द ग्रेट भी कहा जाता है, बट ऐसा जिससे इतनी डरने वाली बात है नहीं क्योंकि ये इतना वायलेंट नहीं है। इनफैक्ट जो हमारी क्रिसमस पार्टी होती है उस नाइट का ये स्टार होता है, ही इज प्रिटी प्लेजेंट, बस क्लिप्टोमैनियाक है, यानी कि छोटी मोटी चीजें जो है चुराता रहता है, उसकी आदत है, एक तरह की बीमारी है। तो सेक्रेटरी एग्री कर देता है और गवर्नर कहता है कि क्योंकि मैं इसके भागने के लिए कोई भी रास्ता खुला नहीं छोड़ना चाहता तो मैं चाहता हूँ ये एग्ज़ाम मैं प्रिजन के अंदर ही कंडक्ट करवाऊँ। तो सेक्रेटरी एग्री कर देता है कि वो सारी की सारी अरेंजमेंट्स करवा देगा। सो 8:30 बजे रात को इवांस का जर्मन टीचर उसको गुड लक विश करके चला जाता है एंड अगली सुबह 8:30 बजे इवांस के पास 2 विजिटर्स आते हैं, दे आर स्टीफन्स एंड मिस्टर जैक्सन। तो जब वो आते हैं देखते हैं कि इवांस शेव कर रहा होता है और मिस्टर जैक्सन स्टीफन्स को कहते हैं कि देखो तुम इससे ये इसका रेजर ले लेना, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन अपना गला इस रेजर से काट ले और नाम सारा हमारे पे आ जाए। और फिर जब वो इवांस की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि तुमने ये जो रेड कलर की बॉबल हैट पहन रखी है उसको उतार दो, बहुत ज़्यादा शैबी लग रही है। तो इवांस कहता है मिस्टर जैक्सन को कि मिस्टर जैक्सन जो भी मेरी लाइफ में अब तक अच्छी चीज़ हुई है वो सिर्फ इस रेड हैट की वजह से हुई है और आप तो जानते हैं जर्मन का टेस्ट है तो क्या पता मेरे लिए ये गुड लक लेके आए। उसे पता था कि मिस्टर जैक्सन के मन के अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है इसलिए वो एग्री कर जाएंगे और होता भी यही है, मिस्टर जैक्सन एग्री कर जाते हैं कि वो हैट ना उतारे। अब सुबह 8:45 पे मैक्लेरी जो कि इवांस के इन्विजिलेटर होने वाले थे अपने घर से निकलते हैं, दैट इज इन ब्रॉड स्ट्रीट। वहां से निकलते हैं तो उनके हाथ में एक सूटकेस होता है ब्राउन कलर का जिसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, तो देख लेते हैं वो क्या कंटेंट्स हैं जो उस सूटकेस के अंदर है। सो ये सारे कंटेंट्स हैं उनके सूटकेस के अंदर जो थे, दैट इज सील क्वेश्चन पेपर एनवेलप होता है, एक पेपर नाइफ होती है, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड होता है उनके पास जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से होता है, देन ही हैज अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, अ बाइबल एंड अ कॉपी ऑफ चर्च टाइम्स। सो 9:15 AM पे एग्जाम शुरू होने वाला होता है एंड गवर्नर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी गड़बड़ ना हो पाए, इसीलिए जो कुछ भी सेल के अंदर चल रहा है, प्रिजन के अंदर चल रहा है, वो डायरेक्टरी सुनते हैं अपने रिकॉर्डर से एंड वो अपना रिकॉर्डर ऑन कर देते हैं। तो फिर उनके दिमाग में ये बात आती है कि कहीं ऐसा ना हो मैक्लेरी अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ऐसा सामान लेके आए जिसका फायदा इवांस उठा सकता है मैक्लेरी को चोट पहुंचाने के लिए और बाहर निकलने के लिए। तो वो स्टीफन्स और जैक्सन को ऑर्डर देते हैं कि जब मैक्लेरी आए तो उनको ढंग से फ्रिस्क करें, यानी कि चेक करें। तो जब वो दोनों उन्हें चेक करते हैं तो उनसे पेपर नाइफ ले लेते हैं उनकी, और एक चीज़ जो उन्हें समझ नहीं आती मैक्लेरी के पास होती है, दैट इज़ अ सेमी इन्फ्लेटेड ट्यूब। तो जब वो पूछते हैं मैक्लेरी से उसके बारे में तो मैक्लेरी कहते हैं क्योंकि मुझे एक बीमारी है हेमोरॉइड्स तो मैं अपनी इस ट्यूब को अपने साथ रखता हूँ, एंड देन वो सेल के अंदर चले जाते हैं एंड फाइनली 9:25 AM पे एग्जाम शुरू हो जाता है। तो मैक्लेरी इनिशियली कहते हैं इवांस को कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए इन द आंसर शीट, अब क्योंकि ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है लेट्स हैव अ लुक। सो मैक्लेरी आस्क्स इवांस टू फिल द नेम ऑफ द पेपर 0211, इंडेक्स नंबर 313 एंड सेंटर नंबर 271। नाउ जब ये सारी डिटेल्स इवांस फिल कर देता है एग्जाम शुरू हो जाता है तो स्टीफन्स बार बार जाके सेल में देखता रहता है कुछ कुछ सेकंड्स पे ही कि इवांस कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, एंड देन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि इवांस ने अपने शोल्डर पे एक ग्रे कलर का ब्लैंकेट ओढ़ रखा होता है। तो जैसे ही वो देखता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कहीं इसका कोई प्लान तो नहीं है मैक्लेरी को कहीं उस ग्रे कंबल के अंदर पकड़ कर उनको मारेगा। तो
जब ये बात ये सोच रहा होता है उसके दिमाग में ये बात भी आती है कि नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, क्योंकि जिस सेल में इवांस था वहाँ पे सनलाइट कम आती है और ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो क्या पता उसे जेन्युइनली ठंड लग रही हो और इसीलिए उसने ब्लैंकेट लिया हो। तो वह उसे कुछ कहता नहीं है और ना ये बात वो गवर्नर को बताता है। अब इतने में गवर्नर को कॉल आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी से, एग्जामिनेशन बोर्ड से, कि किसी ने करेक्शन स्लिप रखी ही नहीं है क्वेश्चन पेपर के अंदर जो कि जरूरी थी। तो गवर्नर को लगता है कहीं ये कॉल कोई फेक कॉल तो नहीं है, होक्स तो नहीं है, यानी कि कोई ऐसी कॉल तो नहीं है जो इवांस को कोई इशारा देगी भागने के लिए। तो जब वो क्रॉस चेक करते हैं वापस कॉल करके एग्जामिनेशन बोर्ड को, तो कॉल एंगेज जा रही होती है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि नहीं, ये कोई चाल नहीं है, ये एक्चुअली में जेन्युइन कॉल आई है। तो अब उस करेक्शन स्लिप के अंदर क्या लिखा होता है, लेट्स हैव अ लुक। तो करेक्शन स्लिप के अंदर लिखा होता है कि पेज 3 पे लाइन 15th में फोर्थ वर्ड है गोल्डन एन, ना कि गोल्डीन, ये करेक्शन होती है। अब थोड़ी देर बाद गवर्नर को कॉल आता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट से कि उनको एक प्रिजन वैन चाहिए और उसके साथ साथ कुछ प्रिजन अथॉरिटीज, यानी कि कुछ प्रिजन ऑफिसर्स भी चाहिए। तो गवर्नर को फिर से लगता है कहीं ऐसा ना हो ये एक फेक कॉल है, और वो क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन क्रॉस चेक के बाद भी उन्हें ऐसा ही लगता है कि ये एक्चुअल कॉल थी, फेक कॉल नहीं थी। एंड देन उन्हें एकदम इवांस के बारे में याद आता है कि मैं उसके बारे में तो भूल ही गया। फिर वो वापस अपना रिसीवर टर्न ऑन करते हैं और सारी बातें सुनते रहते हैं जो सेल के अंदर होती हैं। इतने में कॉल आता है स्टीफन्स के लिए गवर्नर की तरफ से कि वो खुद मैकलरी को एग्जाम खत्म होने पे बाहर गेट तक छोड़ने जाएगा और पीछे से इवांस को लॉक करके जाएगा, ये सारी चीज़ें उसको इंश्योर करनी है। तो स्टीफन्स ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मिस्टर जैक्सन को नहीं दिया। अब एग्जाम फाइनली खत्म हो जाता है 11:25 AM पे।